खबर उधम सिंह नगर की खड़ीमा से, जहां खड़ीमा में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बरी अंजनिया ग्राम द्वारा ग्राम पंचायत नौशे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ट्रस्ट द्वारा खड़ीमा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मानव सेवा, समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क सुरक्षा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को ग्राम पंचायत नौसर में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लगभग 73 मरीजों का परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरण किया गया। वहीं डॉक्टर उत्तम कुमार ने बताया कि अर्थराइटिस, न्यूरो, फंगल तथा वायरस से संबंधित लगभग 73 मरीजों का परीक्षण करके निःशुल्क दवाई दी गई है। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, बचाव और सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उनको सचेत व जागरूक किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर गरीबों, असहायों और बेसहारा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, जो किसी कारणवश अस्पताल नहीं पहुंच पाते या अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। इसी क्रम में आज ग्राम पंचायत नौसर में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीज को निःशुल्क दवाएं दी गई। वहीं ग्राम प्रधान महेंद्र पाल ने ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए पुनः निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने हेतु आग्रह किया। इस आयोजन में प्रशांत ड्रग हाउस का दवाई से बड़ा सहयोग रहा। इस दौरान मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह, डॉक्टर उत्तम कुमार, शपन विश्वास, अमित कुमार, संजय कुमार, विनोद कुमार गौतम, राजेंद्र गौतम, नगीना, सोनी देवी, मीना देवी, अनिता देवी, शारदा देवी, वंदना देवी, मनीषा देवी, बिंदु देवी, निशा, बिनीता, जयराम, ग्राम प्रधान महेंद्र पाल के साथ सुरेंद्र कुमार, राजकुमार शर्मा, हलीम भाई के साथ अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। जी मैडम, क्या नाम है ये वाला जो है भाई, ये बाहर नहीं है आपके लिए, नहीं गई है बहुत अच्छे से संचालित हुआ। और कैंप में आर्थराइटिस और न्यूरो से संबंधित और फंगल के और वायरल ऐसे मरीज मिले जिनका हमने उपचार भी किया और लोगों को समझाया भी किस तरह से उपाय करें, काफ़ी आराम से 73 मरीजों का हमने इलाज किया। बहुत ही सराहनीय है। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट की ओर से जो हमारी ग्राम सभा नौसर में कैंप लगाया गया है, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारे गांव में अधिकांश परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, दयनीय है, गरीब परिवार से हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल में अपनी दवाई करवाने नहीं जा पाते हैं और घर पे ही रह करके ऐसे घुटते रहते हैं। तो जो ये ट्रस्ट वाले हमारे यहाँ दवाइयाँ बांट रहे हैं, हमारे गाँव के लिए बहुत ही ये वरदान साबित होगा। और मैं अपनी समस्त ग्राम पंचायत की ओर से, समस्त गांव के वासियों की तरफ से जीवन ज्योति ट्रस्ट वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही आग्रह करता हूं कि समय समय पर, महीना दिन पर या 3 महीना पे या 15 दिन पर कैंप लगाते रहें, ताकि हमारे गांव के लोगों का स्वास्थ्य सदैव हमेशा अच्छा बना रहे। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट में आपका स्वागत है। जो हमारा जीवन ज्योति ट्रस्ट है, गाँव गाँव में जाकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करा रहा है। गरीब असहाय लोग हैं जो दवाई को हॉस्पिटल नहीं जा पाते, बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं सफर नहीं कर सकते, उनको हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। और विशेषकर पहला स्थान हम लोगों ने बरी अंजनिया में 99 मरीजों का इलाज हुआ। और दूसरा कैंप हम लोगों ने सिसनिया बंदर में लगाया, वहाँ पर 150 लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया, उन्हें स्वास्थ्य
सलाह भी दी गई। और आज यहाँ नौसर में नौसर ग्राम सभा में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारी संस्था की टीम जो है इस कार्य को